जेनेटिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर रवि वैरागड़े द्वारा आरोग्यम 360 हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें दूर दराज से आए मरीजों का उपचार के लिए मार्गदर्शन किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर हेमंत सोनारे उपस्थित थे। उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया। जेनेटिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर रवि वैरागड़े द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अपने संभाषण के समय उन्होंने कहा कि एडवांस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एकमेव ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां 360 डिग्री इलाज किया जाता है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ शरीर के अवयवों के बारे में सोचकर उनका इलाज करते हैं, लेकिन मन, हृदय, आत्मा का इलाज भी उतना ही ज़रूरी है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता। शारीरिक इलाज के साथ मन, आत्मा और दिमाग का इलाज, मतलब 360 डिग्री इलाज करने वाली एडवांस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एकमात्र संस्था है। यह इलाज करने के लिए सिर्फ देश भर से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग आते हैं, और यह आते ही 5 दिनों के अंदर ही उन्हें सकारात्मक परिणाम दिखना शुरू हो जाता है। इस अवसर पर जेनेटिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर रवि वैरागड़े ने मुख्य अतिथि डॉक्टर हेमंत सोनारे का उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। हेमंत सोनारे सरांनी आता जे सांगितलं की 360 डिग्री म्हणजे सरांनी आमच्या इलाजाचा जो मर्म असते ना तो किती सुंदर ओळखला बघा। कारण की आपण फक्त जेव्हा गोळ्या घेतो तर अवयवावर इलाज करायचा प्रयत्न करतो, पण मन सुटून जातं, हृदय सुटून जातं, तर माइंड, बॉडी, हार्ट अँड सोल हे चारही गोष्टी एकत्र करणारा इलाज म्हणजे 360 डिग्री इलाज। आणि सरांनी नेमका तो शब्द पकडला आणि ॲडव्हान्स हेल्थ यासाठी जाणला जातो की पूर्ण जगामध्ये मुळापासून इलाज करणारी एकमात्र हेल्थ ऑर्गनायझेशन म्हणजे ॲडव्हान्स हेल्थ। इथे पूर्ण भारतभरातूनच नाही जगभरातून पेशंट येतात असंभव आजाराला हरवण्यासाठी, आणि 5 दिवसात त्यांना एक नवीन जीवन, नवीन आशा आणि ॲक्च्युली 5 दिवसामध्ये रिझल्ट दिसायला लागतात असा हा उपक्रम आहे। आम्ही समाजासाठी हा तयार केला आहे आणि ही तर आमची सामाजिक सेवाच आहे। आणि हेमंत सोनारे सरांसारखे समाजसेवक जेव्हा इथे येतात तेव्हा या समाजसेवेला एक आणखी जोर लागतो, बळ मिळतो। सर सोनारे सर, तुम्हाला फार फार धन्यवाद इथे आले लोक आणि सगळ्या जे योद्धा आहेत त्यांना तुम्ही प्रोत्साहन दिलं त्याबद्दल फार फार धन्यवाद सर। थँक्यू, लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।